खरगोन जिले के निर्दलीय विधायक ने अब वर्तमान सरकार को समर्थन दे दिया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के रुके विकास कार्यों को गति देने के नाम पर विधायक ने यह कदम उठाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के टिकट न मिलने की दशा में भगवानपुरा प्रत्याशी केदार डावर ने निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज प्रत्याशियों को करारे शिकस्त देकर अपनी अहम उम्मीदवारी का परिचय दिया था और क्षेत्रीय विकास के लिए कांग्रेस को समर्थन देकर मतदाताओं की मूलभूत सुविधाओं को सर्वोपरि माना था। लिहाजा 15 माह बीतने पर कांग्रेस सत्ता जाने के बाद क्षेत्र में विकास कार्यों में कमी और जनता के वादों को भुनाने के लिए विधायक ने अब वर्तमान सरकार को समर्थन दे दिया है। इस दौरान विधायक ने खास बातचीत में बताया कि मेरे लिए जनता और मेरे क्षेत्र का विकास सर्वोपरि है, इसके लिए मैंने वर्तमान सरकार को समर्थन दिया है। वहीं विधायक ने लोगों की भ्रांति को दूर करने के लिए इस बात का खुलासा भी किया कि हम निर्दलीय थे और निर्दलीय ही रहेंगे और क्षेत्र के विकास को लेकर सतत प्रयास करते रहेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। भैया, ये आपने बीजेपी में समर्थन दिया है, किस तो सोच को लेके दिया? मैंने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, मैं वर्तमान प्रदेश की सरकार को समर्थन किया और मेरे क्षेत्र में निर्दलीय विधायक हूँ, मेरे क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर मैंने मुद्दे रखे और उसको हल करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की। मुख्यमंत्री जी ने सुना, बात को करने का आश्वासन दिया और इसीलिए हमने वर्तमान सरकार को। क्या विकास कार्य में काम नहीं हो रहे थे आप? पहले जो भिन्न काम है जो पेंडिंग पड़े हैं, जिसके लिए हमने क्षेत्र में चुनाव लड़ने के दौरान हमने लोगों से बातें की, चुनाव होने के 2 साल बीत गए हैं, जो काम मूर्त रूप नहीं ले पा रहे हैं और उसकी मांग हमारे क्षेत्रवासियों की जल्दी कराने की है। इन कामों को कॉलेज हुआ, हमारे निष्ठान सिवर जल्द महाराष्ट्र बोर्ड हुआ, हमारे दोनों ब्लॉकों में, दोनों भगवानपुरा और शेगांव में जुडिशियल न्यायालय नहीं है, न्यायालय खोलना, SDP कार्यालय नहीं है, SDM कार्यालय नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, जो बहुत सारी जो मूलभूत सुविधाओं की चीज़ें हैं वो अभी मूर्त रूप नहीं दे पाई, इसलिए हमने वर्तमान सरकार को। क्षेत्र की जनता भी थोड़ी नाराज दिखाई दे रही, ऐसा लग रहा है। क्षेत्र की जनता को कुछ गलत फहमी हुई, कुछ समाचारों में आया कि बीजेपी ज्वाइन कर दी है, ये गलत समाचार। हमने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को समर्थन दिया है, न कि बीजेपी ज्वाइन किया है। सरकार का समर्थन क्या किस तरीके से देखते हैं आप लोग? अभी ये जो हमारा निर्दलीय विधायक है और उसके कारण सरकार के काम नहीं हो रहा हमारा। क्षेत्र हम जाए चुनाव में गया तो वायदा करा भाई तुम्हारे हम बन जाएंगे तो तुम्हारा ये रोड करेंगे या पाइपलाइन करेंगे, बहुत सारा हम वोट मांगे निर्दलीय के लिए। उसके कारण आज सरकार 15 महीना ये चलाई, काम हुआ और बचे भी 15 महीना में तो कोई काम होना नहीं था, थोड़ा बहुत हुआ। अभी सरकार गिर गई, सरकार गिरने के बाद हम 6 महीना ऐसा जा रहा हमारा कि कुछ नहीं हो रहा। एक मंत्री हमारा परेशान करा और उसमें कई झगड़ा झट्टा भी हो गया, उसके बाद कलेक्टर के यहाँ भी गया, जिला से यह काल कर रहा, आज कर रहा, सरकार में नहीं है तो हमारा काम नहीं होगा। नहीं, आप क्या लगता है काम होंगे अभी? क्या नहीं होगा, अभी सरकार का समर्थन दिया, सरकार का समर्थन है, अब तो काम होना है। मैं भगवानपुरा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सबके सहयोग से विधानसभा चुनाव जीता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को तो क्षेत्र के विकास के लिए हमने हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जहाँ कहीं भी गांव में गए, बूथ पे गए, किसी ने कोई बात रखी कि ये काम आपको कराना है, हम उस काम को करने के लिए कटिबद्ध हैं और निर्दलीय हैं। पहले कमलनाथ जी की सरकार बनी, हमने समर्थन किया, उनसे काम लेने का पूरा प्रयास किया, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद सरकार नई आ गई, हमारे लोगों की अपेक्षा जो है 2 साल चुनाव होने से बीत गए हैं, अपेक्षाएँ हैं वो काम
कराना है और इसी को हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या से हमने चुनाव के दरमियान रिजल्ट हमने कहा था कि हमारे बच्चों को पढ़ाई के उच्च अध्ययन के लिए महाविद्यालय क्षेत्र में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।